शिवलिंग के पास किस भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, शिवलिंग पर कौन सी चीजें और फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, शिवलिंग के आसपास कौन कौन से भगवान की मूर्ति रखी जा सकती है या होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शिवलिंग पर हमें बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए, ये विषय तो सबके जानकारी के लायक है, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे और जो लोग न जानते होंगे तो अगर जानेंगे तो अच्छा होगा। शिवलिंग जहाँ भी स्थापित होगा मंदिर में, वहाँ कभी भी केतकी या केवड़े का फूल न चढ़ाएं, क्योंकि केतकी के साथ केवड़ा और चंपा ये फूल चढ़ाना भी शिवलिंग पर या शिव की मूर्ति पर वर्जित की गई है, क्योंकि इस फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया हुआ है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, शिवलिंग तेजोमय अपने आप प्रकट हुआ, ब्रह्मा और विष्णु में ये बात हो गई कि कौन बड़ा। इस विवाद को हल करने के लिए तेजोमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग ने कहा कि ब्रह्मदेव आकाश की तरफ जाएं और आकाश का अंत पता करके आएं, और भगवान विष्णु आप पाताल में जाइए और इस हमारे ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर देख करके आइए। और ब्रह्मा को कहा कि इस ज्योतिर्लिंग का आप ऊपरी हिस्सा, सबसे अंत का हिस्सा देख करके आइए। ब्रह्मदेव गए, भगवान विष्णु गए, ब्रह्मदेव आ गए अपने साथ केतकी का फूल लेकर के, बोले मैंने तो इस शिवलिंग का अंतिम दर्शन कर लिया, अंतिम सिरा इसका देख लिया। बोले अच्छा, कैसे? बोले कि आप इस केतकी के फूल से पूछ लीजिए। केतकी ने कहा, हाँ महाराज जी, इन्होंने तो अंतिम छिरा देख लिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर के कहा कि जाओ, तुम मेरे पूजा में त्याज्य होगी और हे ब्रह्मदेव, आपकी पूजा मृत्युलोक में नहीं होगी। और विष्णु से जब पूछा भगवान शिव ने, तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं तो इस ज्योतिर्लिंग का ओर छोर नहीं पाया और जब मैं थक गया तो मैं वापस आ गया। उन्होंने कहा, भगवान श्रीहरि विष्णु आप मर्यादा में हैं, इसलिए इस चराचर जगत के आप पालनहार होंगे और आपकी सर्वत्र पूजा होगी, सर्वत्र आपकी वंदना होगी और आप प्रथम पूज्य देवताओं में माने जाएंगे। तब से केतकी का फूल श्रापित है। शिवलिंग पर कभी भूलकर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और हाँ, कभी कभी अज्ञानतावश लोग कर देते हैं, लेकिन हल्दी का भी प्रयोग शिवलिंग के उपासना में नहीं करना चाहिए। कुमकुम से भी शिवलिंग का तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का तिलक हर समय मलयागिर चंदन या केसर से करना चाहिए, या फिर जो विभूति होती है, भस्म होती है, उसी भस्म विभूति से शिवलिंग पर त्रिपुंड की रचना करनी चाहिए। धातु का शिवलिंग घर में स्थापित करने अगर जा रहे हैं तो वो सोना, चांदी, तांबा या पारे से बना हुआ होना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेले आप ना रखें। एक थाली में अगर शिवलिंग की स्थापना आप करिए तो उसके शिवलिंग के पास अगर कोई मूर्ति होनी चाहिए तो वो है गौरी और गणेश की और स्वामी कार्तिकेय की, साथ में एक छोटी सी प्रतिमा, प्यारी सी नंदी की भी रखिएगा, क्योंकि नंदी इनके प्रमुख शिवगण हैं। और भगवान शिव के गले में एक नाग की माला भी होनी चाहिए और रुद्राक्ष भी समर्पित करना चाहिए, वरना शिवलिंग अधूरा माना जाता है। भगवान शिव के गले में रुद्राक्ष की माला, भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड और नाग, और भगवान शिव के शिवलिंग पर अनवरत जल गिरता रहे, तो इस शिवलिंग की पूजा करने का जो फल है उसको कोई व्यक्ति शब्दों में वर्णन